सकता है आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं बट आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मार्केट को दे सको, मार्केट की कैंडल्स को रिसर्च करो, इंट्राडे ट्रेंड्स को एनालाइज कर सको, बट स्टिल यू वांट टू मेक सम पैसिव इनकम। सो द बेस्ट थिंग इज टू स्टार्ट डूइंग स्विंग ट्रेडिंग गाइस। अगर स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, मैं आपके सामने ये डिस्कस नहीं करूंगा। एंड व्हेनेवर आई स्टार्टेड माय दिस यूट्यूब चैनल, तब मैंने अपनी इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, माय स्विंग ट्रेडिंग सेटअप, और वही सेटअप को मैं आज आपके साथ वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा बेसिकली। सो दिस इज माय पर्सनल फेवरेट स्विंग ट्रेडिंग सेटअप, मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूंगा कैसे एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं, कब ट्रेड को लेते हैं, कैसे हम स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स यू नो एनएससी बीएससी में इतने सारे स्टॉक है, सबको एनालाइज नहीं कर सकते हम डेली बेसिस पे। सो बट देयर आर सम वेबसाइट जहां पे हम फिल्टर लगा के उन स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं, बेसिकली कंडीशंस लगा के फिल्टर कर सकते हैं, आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट डूइंग स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली, राइट। सो अब आते हैं चार्ट पैटर्न्स पे, मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपनी पर्सनल स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। देखो गाइस, मैं अगर आपको पूछूं कि व्हाट विच इज द बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग सेटअप, तो अकॉर्डिंग टू मी मैं ऐसे सेटअप पे बैट करना चाहूंगा जिसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी मैं स्टॉक खरीद रहा हूं, बेसिक रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस में यहाँ पे अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस के नीचे है, बेसिकली कोई लेवल है जहां से मार्केट गिर चुका है, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। जैसे ही स्टॉक इसके पास आएगा, अगेन द सेलर्स बिकम एक्टिव एंड द स्टॉक को डाउन ट्रेड में कंटिन्यू कर देगा। सो आई डोंट वांट टू बेट ऑन दो स्टॉक्स जो जिनके ऊपर रेजिस्टेंस हो। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कब कोई स्टॉक के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होगा। सो द आंसर इज वेरी सिंपल, जब कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा होगा, फर्स्ट थिंग। सो द फर्स्ट थिंग इज आई वांट टू बेट माय मनी ऑन दो स्टॉक जो ऑल टाइम हाई पे बेट कर रहा होगा। सेकंड, ऐसे स्टॉक जो ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देगा। देखो मैं इसको अच्छे से समझाता हूं आपको। जैसे कोई भी स्टॉक यहां पे ट्रेड लिया आप, बेसिकली ये था, उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट इन द सेंस कि मार्केट में बहुत सारे न्यू पोजीशंस है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बिग मार्केट प्लेयर्स होते हैं, वो इसमें एंट्री लेते हैं एंड आफ्टर दैट एक सडनली ब्रेकआउट देता है ऑल टाइम हाई पे। और ऐसे स्टॉक्स को मैं बैट करूंगा, ऐसे स्टॉक्स को मैं फिल्टर करूंगा, ऐसे स्टॉक्स में निकालूंगा जिनमें ऐसा सेटअप बन रहा है, और इस सेटअप पे मैं ट्रेड लूंगा। बट स्टिल हमें ट्रेड कब लेना है, ऐसा नहीं है कि जैसे ही मार्केट ने ऑल टाइम, जैसे ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया, इसके बाद ऑल टाइम हाई, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल बनाई और मैं यहाँ पे ट्रेड में घुस जाऊंगा। दिस इज द नॉट राइट वे टू एंटर इन टू द एनी स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। वी विल डिस्कस कि हम कैसे स्विंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर करेंगे वो लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट यूज करता हूं मैं जो बेसिकली वेबसाइट जो यूज करता हूं वो है चार्टिंग वेबसाइट। आई होप आपको पता होगा चार्टिंग के बारे में। इस पर्टिकुलर वेबसाइट से मैं ऐसे स्टॉक्स निकाल लेता हूं जो ऑल टाइम हाई पे रिसेंटली कंसोलिडेशन के बाद उन्होंने हाई ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट दिया है। कैसे, चलो मैं वेबसाइट पे जाता हूं। ओके, सो ये है चार्टिंग की वेबसाइट, आप देख सकते हो। और मैं इस पर्टिकुलरली जो मैंने ये कोड कंडीशंस बनाई है बेसिकली, इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बेसिकली इसको ना बनाते हुए ओनली रन स्कैन करके आप पास स्टॉक्स आ जाएंगे बेसिकली। सो द फर्स्ट कंडीशन इज यहाँ पे डेली हाई, यानी जो डेली कैंडल का, ऑफकोर्स स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं 5 मिनट्स और 15 मिनट्स कैंडल तो लूंगा नहीं, मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स को यूज करूंगा। सो जो डेली कैंडल का जो हाई है ना, वो हाई होना चाहिए लास्ट 1300 डेली कैंडल का। अब 1300 है ना, ये मोटा मोटी 5 साल से ऊपर का पीरियड होता है, यानी 5 इयर्स में ऑलमोस्ट 1300 ट्रेडिंग डेज होते हैं। सो अगर इन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अगर वो मेरा रिसेंट हाई है, जो रिसेंट डेली कैंडल का हाई प्राइस है, वो इन 1300 की कैंडल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब इसने पिछले 5 साल का ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, राइट। सो द फर्स्ट कंडीशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड कंडीशन है माई डेली कैंडल्स का जो वॉल्यूम है, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका वॉल्यूम होगा ना, वो मस्ट बी ग्रेटर देन 5 लाख के ऊपर का वॉल्यूम होना चाहिए। ये मैंने क्यों यूज किया, देखो इसके पीछे का रीजन क्या है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो कुछ ही, मतलब गिने चुने बड़े बड़े प्लेयर, 4-5 बड़े बड़े प्लेयर्स चलाते हैं स्टॉक्स को, जो न्यूज की वजह से चलते हैं, राइट। कुछ न्यूज आ गई या कुछ रूमर्स आ गए, और ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है, जब आप एंटर करोगे ना तो आप उसको फिर सेल नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि कोई बायर ही नहीं मिलेगा आपको। और ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है, जो बड़े प्लेयर्स होंगे ना वो ऊपर जाके अपने माल काट देंगे, और आप क्या करोगे, उस स्टॉक्स को बेच नहीं पाओगे और अब वो जीरो पे आके ट्रेड हो जाएगा, आप पूरा का पूरा लॉस कर दो। सो मुझे ऐसे स्टॉक्स नहीं चाहिए जो न्यूज बेस पे चाहिए, उनमें अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए विच इज ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 5 लाख। ओके, एंड द थर्ड कंडीशन इज मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए, ऐसे ब्रेकआउट चाहिए जो ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 5% से प्राइस मूव हुआ हो। मतलब अगर देखो ये अगर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वॉल्यूम 5 लाख के ऊपर होना चाहिए। ओके, ऑल टाइम हाई में ब्रेकआउट होना चाहिए, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होना चाहिए। एंड इस थर्ड पॉइंट का मतलब है कि ये जो प्राइस है ना, इस प्राइस में ऑलमोस्ट 5% का मूव आना चाहिए।
दैट्स अ थर्ड थिंग. ओके, दैट्स अ थर्ड कंडीशन. अगर इन तीनों कंडीशन को मैं मर्ज करके अगर रन स्कैन करूं यहाँ पे, सो यू कैन, ये थोड़ा स्कैन हो रहा है बेसिकली. सो मुझे सारे स्टॉक्स मतलब ऑलमोस्ट 5 to 7,000 जो भी स्टॉक लिस्टेड है एनएससी बीएससी में, वो सब फिल्टर होके आ जाएंगे जिनमें ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया अभी के टाइम में अप्लाइड है. ओके, सो मुझे देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 स्टॉक ऐसे मिले हैं आउट ऑफ ऑल द स्टॉक्स लिस्टेड ऑन एनएससी बीएससी जिनमें अबव 3 कंडीशंस हो रही है. तो मेरा अभी यहाँ पे फर्स्ट रोल क्या है कि मुझे ये 7 स्टॉक को एनालाइज करना और इन्हीं में स्विंग ट्रेडिंग सेटअप बनाना है. और स्विंग ट्रेडिंग सेटअप का ये नहीं है कि आपको 2 साल 3 साल तक होल्ड करना है या 2 महीने 3 महीने तक होल्ड करना है. मैं बेसिकली 10% अपमू के लिए कोशिश करता हूँ कि कोई भी स्टॉक पकड़ू तो मुझे उसमें 10% का मूव मिल जाए और 10% का जैसे मेरा रिटर्न होगा मैं उसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा. बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि ये सारे स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है ना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, बट स्टॉक्स में मूवमेंट है, जो मुझे मूवमेंट कैप्चर करनी है दैट्स स्विंग ट्रेडिंग, राइट. सो बेसिकली मैं क्या करूंगा, 10% का अप मूव रखता हूं बेसिकली. जैसे ही मार्केट 10% मूव देता है मैं वहां पे अपना स्क्वायर ऑफ कर देता हूं जो भी प्रॉफिट होता है, राइट. स्टॉप लॉस क्या होता है वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, राइट. सो देखो मैं स्टॉक्स को ऐड कर लेता हूं. पहला है पूर्वंकरा प्रोजेक्ट लिमिटेड, राइट. अब मैं स्टॉक्स को खोलता हूं और उसके चार्ट्स को एनालाइज करते हैं. तो ये स्टॉक है ऑल टाइम हाई, आप देख सकते हो मार्केट ने ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट दिया है. देखो ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट दिया है. ओके, 5% का वॉल्यूम, 5 लाख के ऊपर वॉल्यूम है एंड 5 लाख के ऊपर वॉल्यूम है एंड 5% का मूव है. बट इसमें एक चीज मिसिंग है, वो है कंसोलिडेशन. देखो तो कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का तो एटलीस्ट होना चाहिए. यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन का कंसोलिडेशन है. तो मैं स्टॉक्स को रिजेक्ट करूंगा बिकॉज आपने देखा होगा अपने प्रीवियस टाइम में या बैक टेस्टिंग डाटा में कि मार्केट अगर कंसोलिडेशन देने के बाद ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट देता है ना, इट्स अ मोस्ट प्रोबेबल ट्रेंड, बहुत पावरफुल ब्रेकआउट. इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ से वो 10% 20% या इवन 30% तक इजिली अप मूव दे दे. तो मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए. सो बेसिकली ये पर्टिकुलर स्टॉक आउट ऑफ लिस्ट हो गया बिकॉज इसमें कंसोलिडेशन नहीं है. सारे पैरामीटर है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, 5 लाख से ऊपर का वॉल्यूम है, 5% का मूव है ब्रेकआउट कैंडल में, बट द ओनली थिंग मिसिंग इज यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज नहीं है. सो यहाँ पे मेरा जो पहला लिस्ट था इस पर्टिकुलर जो मैंने फिल्टर करके निकाला था पूर्वंकरा प्रोजेक्ट, ये मेरा कैंसिल हो गया. ओके, नाउ द सेकंड स्टॉक इज जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. ओके, तो मैं स्टॉक्स का चार्ट खोलता हूं. ओके, दिस इज द स्टॉक्स. सो दिस इज द स्टॉक जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ दिस इज माय आइडियल स्टॉक, ऐसे स्टॉक पे ही मैं बैट करूंगा. क्यों? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट दिया है. ओके, वॉल्यूम 5 लाख से ऊपर है, 5% का अच्छा खासा अपमूव है. सो इट माइट बी पॉसिबल कि ये स्टॉक मुझे इजीली 10% का अपमूव दे सकता है जो मेरा टारगेट है बेसिकली. एंड द जो मिसिंग थी प्रीवियस स्टॉक में वो था कंसोलिडेशन. इसमें देख सकते हो मार्केट यहाँ से अपमूव दिया, उसके बाद ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन भी आ गया एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने अपमूव दिया है. सो दिस इज द मोस्ट आइडियल स्टॉक और ऐसी स्टॉक को मैं ढूंढ रहा हूँ बेसिकली. बट नाउ द कंडीशन आती है कि मुझे स्टॉक में एंट्री कब करना है. ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट दे चुका है ये, तो मैं स्टॉक में एंट्री क्या करूं. सो इस एंट्री के लिए मैं जो टूल यूज करता हूं वो यूज करता हूं फिबोनाची के बारे में. आई होप आपको पता होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूं. देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मुझे लेना है और जो प्रीवियस स्विंग लो था, यानी इसका ये प्रीवियस स्विंग लो है, प्रीवियस स्विंग लो से जो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट बना है वहां तक मुझे फिबोनाची को करना है. और आप याद रखना मैं आपको एक चीज बताता हूं, और मुझे 0.236 का लेवल है ना, 2 मिनट, ये जो 0.236 का लेवल है ना, ये आपको जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है. अगर कोई मार्केट अपमूव में कर रहा है और 0.236% से रिजेक्शन लेने के बाद अगेन अपमूव दिखाता है, मोस्ट पावरफुल अपमूव होता है वो अकॉर्डिंग टू माय बैक टेस्टेड डाटा. सो मैं इस स्टॉक का इंतजार करूंगा कि इस पे आ जाए. तो मैं एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. देखो देखो 0.236 पे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, राइट. इसको मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक. आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में पता है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन हम वीडियो में समझ जाएंगे. देखो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया प्रीवियस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसा स्टॉक ढूंढ लिया जो मेरे पूरी कंडीशंस में आ रहा है, कंसोलिडेशन, 5 लाख का मूव, 5% का मूव, 5 लाख का वॉल्यूम, ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट, फिर प्रीवियस स्विंग लो से प्रीवियस स्विंग हाई तक मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया. 0.236% पे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया और 0.382 पे मैंने लाइन ड्रॉ किया. अब मैं फिबोनाची को थोड़ा हटा देता हूँ. ओके, ये हट गया. अब देखो ये जो लाइन है ना, ये 0.236% का रिजेक्शन, अगर जैसे ही कैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है मेरे को, ये पर्टिकुलर स्टॉक मेरे रडार में, जैसे ही इंट्राडे में नेक्स्ट दिन कोई भी प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास आएगी तो मैं यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना लूंगा. एंड वन मोर थिंग, देखो ये 0.23 पर रिजेक्शन है और यही लेवल देखो यहाँ पे
सपोर्ट का एक्ट भी करेगा, क्योंकि इसने इसको रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, नाउ दिस रेजिस्टेंस विल बी एक्ट एज ए सपोर्ट। सो यहाँ पे देखो दो दो कंडीशन है, एक तो 0.236% का रिजेक्शन भी है, सेकंड यहाँ पे ये सपोर्ट जोन भी है। सो यहाँ पे जैसे ही इस लेवल के आसपास इंट्राडे में प्राइस आएगा, मैं वहां पे अपने बाइंग पोजीशन बना लूंगा एंड आई विल ट्राई टू टारगेट ऑलमोस्ट 10% अप टू। 10% अप टू कितना हो गया, 0.66 है, तो 0.6 का 10% क्लोज टू 7 रुपीज, 7 रुपीज का मेरा टारगेट रहेगा। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या रखूंगा, देखो मैंने स्टॉप लॉस आपको बताया था, स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे अगर मैं टारगेट 10% रख रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 5% होगा, मुझे रिस्क टू रिवार्ड जरूर मैनेज करना है, राइट। सो ऑलमोस्ट अगर 7% का मेरा टारगेट है, 7 पॉइंट का टारगेट है जो कि 10% है पर्टिकुलर प्राइस का, तो 3.5% का स्टॉप लॉस हो गया, वो यहाँ पे नहीं होगा, राइट, और टारगेट यहाँ पे नहीं होगा। सो इजीली है यहाँ पे, और मोस्ट हाई प्रोबेबल ट्रेड है, ऐसे ट्रेड में मुझे हाई प्रोबेबिलिटी के मुझे प्रॉफिट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ और एग्जाम्पल लेके जाता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। थर्ड यहाँ पे है पटेल इंजीनियरिंग, यहाँ पे देख सकते हो पटेल इंजीनियरिंग करके है थर्ड स्टॉक। तो इस स्टॉक्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं, अपने अभी तक दो स्टॉक एनालाइज किए जिसमें से एक स्टॉक निकाल लिया टोटली, जिसमें मैं जो मेरी रडार पे जिसमें मैं ट्रेड ले सकता हूँ। पटेल इंजीनियरिंग का मैंने चार्ट खोला एंड नाउ यू कैन सी दिस स्टॉक इज ऑल्सो सिमिलर टू द प्रीवियस स्टॉक। देखो मार्केट ने ट्रेड लिया, करेक्शन दिया, कंसोलिडेशन दिया, ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे 5 लाख का वॉल्यूम है, 5% का अपूंग है, सब कुछ है, सेम टू सेम प्रोसेस करना है अपने को, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करना है इसमें, तो सेम है, यहाँ से प्रीवियस स्विंग लो से प्रीवियस स्विंग हाई तक जाऊंगा मैं, ओके। और यहाँ पे मैं लेवल ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे 0.236% पे, ओके। नाउ अब इसको फिबोनाची को मैं हटा दूंगा, क्यों ड्रॉ किया, प्रीवियस स्विंग हाई लो से प्रीवियस स्विंग हाई तक मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, 0.236% का मैंने रिजेक्शन पॉइंट निकाला। अब आई होप थोड़ा मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि थोड़ा विजिबल अच्छे से हो जाए। देखो जैसे ही ये ब्लैक लाइन 0.236% का रिजेक्शन, जैसे ही प्राइस इसके आसपास आएगा इंट्राडे पे, मैं यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना लूंगा और यहाँ से आई विल ट्राई टू गेट 10% अप मूव एंड माय स्टॉप लॉस शुड बी 10% के अकॉर्डिंग 5% का मेरा स्टॉप लॉस, एंड आई विल वेट अंटिल माय स्टॉप लॉस और अंटिल माय टारगेट विल बी ट्रिगर्ड, एज सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। बिकॉज यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड लेने का ये फायदा है कि ऊपर की ओर मेरे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है, विच इज वेल एंड गुड, राइट। आई होप अभी देखो अपन ने 3 स्टॉक्स को एनालाइज किया जिसमें से 2 में अपने रडार में आ गए, तो 2 में अपन हो सकता है कि अपन पोजीशन बनाए, राइट। और एग्जांपल देखता हूं मैं, यहाँ पे पटेल देख लिया, अभी नागरिका एक्सपोर्ट लिमिटेड एक और स्टॉक में देख लेता हूँ, नागरिका, ओके। अभी ये स्टॉक्स क्या है, देखो ये बेसिकली ये ऑल टाइम हाई नहीं, देखो ये थोड़ा मैं जूम करूंगा ना तो आपको पता लगेगा, ये था ऑल टाइम हाई, पर अभी इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट नहीं किया है ना, और ऐसे शॉक भी नहीं लेना जो गैप अप देने के बाद ब्रेकआउट करे, क्योंकि उसमें गैप अप करेक्शन होता है, क्योंकि गैप अप फिल्ड होता है तो हाई प्रोबेबल वहां पे स्टॉप लॉस हिट होगा, ऐसे स्टॉक से अवेयर रहना। तो ये स्टॉक भी नहीं आएगा और इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट भी नहीं किया। नेक्स्ट स्टॉक पे जाते हैं, नेक्स्ट स्टॉक कौन सा अपने पास, शोभा लिमिटेड, राइट। शोभा लिमिटेड को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं स्टॉक को, अपने स्विंग ट्रेड सेटअप में बैठता है नहीं बैठता, मुझे सर्च करना पड़ेगा शोभा, शोभा लिमिटेड। सो यू कैन सी शोभा लिमिटेड का चार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, शोभा लिमिटेड का चार्ट है सेम टू सेम जो अपने फर्स्ट स्टॉक एनालाइज किया था, कोई कंसोलिडेशन नहीं है इसमें। सो इस स्टॉक्स को भी हम रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज अपने वो कंसोलिडेशन वाले स्टॉक्स चाहिए जो ब्रेकआउट दिया ऑल टाइम, ये क्या कर रहा है, अप मूव दिखा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ करेक्शन आ सकता है, तो हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, भी दिस इज अ लो प्रोबेबल ट्रेड, हो सकता है यहाँ से 10% अप मूव देते, बट वी आर बेटिंग ऑन द हाई प्रोबेबल स्टॉक्स, बेसिकली ये लो प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड था तो हम ट्रेड में नहीं घुसेंगे। सो देखो 4-5 स्टॉक्स एनालाइज करके मैंने ऑलमोस्ट 2 स्टॉक्स को निकाले जिसमें मैं ट्रेड ले सकता हूँ, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, पटेल इंजीनियरिंग, ये 2 में हाई प्रोबेबल है कि मेरा टारगेट अचीव हो जाए, और हम देखते हैं इसको नेक्स्ट 2-3 डेज में कैसा ये पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में क्या प्राइस एक्शन शो करता है। सो इस तरीके से मैं बेसिकली अपने स्विंग ट्रेड सेटअप को फॉलो करता हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा पूरा वीडियो का सार, मेरा कहने का मतलब क्या है, कैसे मैं स्टॉक्स को फिल्टर करके निकालता हूँ, मैंने सब कुछ बता दिया। और ये फिल्टर करने की जो पर्टिकुलर ये वेबसाइट में जिस तरीके से मैंने कोडिंग करके ये कर रखा है, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप जाके बस रन स्कैन करके डेली आपके पास सारे फिल्टरों के स्टॉक्स आ जाएंगे जिसमें आप ट्रेड चार्ट्स को एनालाइज करके आप मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। सो दिस इज माई स्विंग ट्रेडिंग सेटअप, वन ऑफ माई स्विंग ट्रेडिंग सेटअप जो मैं यूज करता हूँ अभी भी, ऑफकोर्स जो ऑल टाइम हाई पे, नाउ यू कैन सी कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ऑफकोर्स ऐसे स्टॉक्स भी है जो ऑल टाइम हाई पे होंगे जिसमें अचीव करने की टारगेट हाई प्रोबेबल है, बिकॉज निफ्टी इज ऑल्सो ट्रेडिंग ऑन दिस ऑल टाइम हाई। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, तो थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।